टेप फिल्म्स हरियाणवी प्रेजेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टेप न्यूज। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपना CTR किस तरीके से कम कर सकते हैं। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट्स, यानी कि जब आपके वीडियो पर कोई ऐड आता है और उसको बार बार क्लिक किया जाता है तो आपका क्या होता है, CTR बढ़ने लगता है। और 10% से ज़्यादा CTR यदि आपका बढ़ेगा तो आपके एडिसेंस अकाउंट के लिए खतरा पैदा हो सकता है, आपका एडिसेंस अकाउंट यूट्यूब वाले बंद कर सकते हैं। इसलिए 10% से ऊपर अपना CTR ना बढ़ने दें। दोस्तों, मैं आज आपको वही बताने जा रहा हूँ कि CTR को मेंटेन कैसे रखें, CTR को किस तरीके से आपको मेंटेन रखना होगा। ठीक है दोस्तों, आइए मैं चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि CTR क्या होता है और कहाँ पे आपको शो होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने ब्राउज़र में चलिएगा। ब्राउज़र में चल के आप क्रोम को ओपन कीजिए या किसी भी ब्राउज़र को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आप ब्राउज़र को ओपन करते आइए, हम नीचे आ जाते हैं। अब आप देखें कि आपको जैसे ही आप गूगल में जाकर एडिसेंस को ओपन करते हैं तो उसी में आपका CTR रिपोर्ट शो होती है। यानी कि जब आप एडिसेंस ओपन करते हैं तो एडिसेंस ओपन पेज होने के बाद होम के बराबर में 3 बटन आते हैं। उस 3 बटन को क्लिक करने के बाद प्रेफरेंस रिपोर्ट आती है। प्रेफरेंस रिपोर्ट के नीचे आपका डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट होती है। डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट पर आप देखे, आप ये दिखा देते हैं, इसमें मेरा CTR 15.16% है। क्यों है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंप्रेशन 1313, यानी कि मेरी वीडियो के ऊपर 1313 बार ऐड आ चुका है और इसके ऊपर 199 क्लिक हो चुके हैं, जिसके कारण मेरा CTR 15.16% हो चुका है। CPC 0.01 है। यदि ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अब क्या क्या, 2017 के रूल के अनुसार जैसे ही आपका CTR ज़्यादा हो जाता है, 15 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं YouTube वाले, CPC जो है आपका 0.00 कर देते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी जो कमाई है वो बंद हो जाती है। जैसे ही कम होगा तो ये फिर स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हाई हो जाता है CTR वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी कमाई क्यों बंद करवाते हो, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि CTR आप ज़्यादा ना होने दें। ठीक है दोस्तों, ये CTR है। अब हम इस CTR को मैं जूम करके दिखा देते हैं। अब इस CTR को हम कम कैसे करें, इसके लिए क्या करना होगा, हम चलते हैं अपने YouTube चैनल पर। YouTube चैनल पर जाने के लिए आप अपने ब्राउज़र को ओपन कीजिए, लॉगिन कीजिए और अपने YouTube चैनल पर जाइए। देखिए, जैसे आपका YouTube चैनल ओपन होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा YouTube चैनल ओपन हो चुका है। मैं अभी दिखा दूँ, आप YouTube चैनल में ओपन करने के बाद वीडियो मैनेजर में जाओगे, वीडियो मैनेजर में क्या होगा, आपकी सारी वीडियो शो होगी। जैसे आपकी सारी वीडियो शो होगी तो आप देखिए, प्रत्येक वीडियो के नीचे एक एडिट का और एक एरो का निशान होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एडिट और एरो का निशान आपको दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, एडिट के निशान पर क्लिक करना है। जैसे आप एडिट के निशान पर क्लिक करते हो तो सर्चिंग करके आपका एडिट वाला पेज ओपन कर देता है। देखिए, आपका एडिट वाला पेज ओपन हो रहा है। एडिट वाला पेज जैसे ओपन होगा तो चार आपको वीडियो के नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, बेसिक इन्फो, ट्रांसलेशन, मोनेटाइज और एडवांस सेटिंग। आइए जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। देखिए, आपको इस पर क्या करना है, आपको इस पर मोनेटाइज, ये मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना। जैसे मोनेटाइजेशन पे क्लिक करोगे तो आपको 4 एड शो होते दिखाई देंगे। जूम आउट हो जाओ, ये देखिए, डिस्प्ले एड्स, ओवरले एड्स, स्पॉन्सर कार्ड्स एड और इसकी पेबल एड्स। इसकी पेबल एड्स को आपको क्या करना है, यहाँ से अनबॉक्स कर देना है। जैसे यार अनबॉक्स करोगे तो आपका CTR कम होने लगेगा। इसी तरह से आपको प्रत्येक वीडियो का, जो भी वीडियो आपकी ज़्यादा सर्चिंग में है, ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, दिन में 1000-500 इस तरह के व्यूज बढ़ रहे हैं, तो आप उनका इसकी पेबल एड्स वीडियो बंद कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका CTR कम हो जाएगा और बराबरी में ये जो 2 एड्स हैं ये आपके चलते रहेंगे, आपकी कमाई भी चलती रहेगी और आपका CTR भी नहीं बढ़ेगा और आपका अकाउंट सेफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से आप कीजिए,
इससे को अपने CTR को कम कीजिए और अपने एडसेंस अकाउंट की कमाई को बिना रोके बिना बंद किए हुए, वरना YouTube वाले बंद कर देंगे। उन्होंने अब आपको टेंशन लेने की तो ज़रूरत नहीं, मगर ठीक है CTR फिर भी आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।